आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Created with free version for non-commercial use. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देसी हेल्थ टीवी में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, जवान लड़के और जवान लड़कियों के लिए ये एक खास तोहफा आज इस वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए। दोस्तों, इसमें लड़कों के लिए हर किस्म की ब्यूटी टिप्स चेहरे से लेकर पाँव तक और लड़कियों के लिए भी यही टिप्स लिखी गई हैं जो कि बहुत ही आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकती हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो जवान लड़के हैं और जो जवान लड़कियां हैं जो अपने चेहरे, बालों, नाक, होंठों को खूबसूरत बनाना चाहती हैं या चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखें। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा नुस्खे मौजूद हैं, मैंने आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। मेरी आपसे एक मोदिबाना गुजारिश है, इस वीडियो को काइंडली पूरा वॉच कीजिएगा, आपको इसमें बहुत ज़्यादा नुस्खे पड़े हुए आपको मिलेंगे। दोस्तों, आइए चलते हैं पहले नुस्खे की जानिब और इसमें सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूं कि क्या है, और मेरे साथ काइंडली रहिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले है रंग गोरा करने का देसी तरीका। अब हर किसी मर्द की, हर किसी औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका रंग गोरा हो, ठीक है। अभी सबसे पहला जो नुस्खा है वो है गुलाब के पौधों की पत्तियां, जो गुलाब के पौधे होते हैं उसकी पत्तियां होती हैं, लेकर इन्हें उबाल कर इनका पानी ठंडा करके निहार मुंह इस्तेमाल करें, यानी कि पी लें, तो इससे आपका रंग गोरा हो जाता है, ठीक है। रंग गोरा करने के देसी तरीका इलाज, गाजर खाने और इसका जूस पीने से भी रंग सुर्ख और सफेद होता है। तीसरी टिप है किसी बर्तन में पानी उबाल लें, फिर इस पानी की भाप अपने चेहरे पर लें, यानी कि जो सादा पानी होता है इसकी भाप अपने चेहरे पर लें, इससे चेहरे के मसाम भी खुलते हैं और चेहरा साफ और शफाफ और रंग गोरा भी होता है। आखिरी टिप है, लीमू का रस चेहरे पर लगाने से भी रंग गोरा होता है, ठीक है। लीमू का जो रस होता है उसका जो चेहरे पर, इसी तरह आप किसी कपड़े से या रुई से आप चेहरे पर उसको मस लें तो आपके चेहरे के मसाम भी खुलते हैं, आपका रंग भी गोरा होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टिप की जानिब, होंठों के लिए। अब होंठों की स्याही खत्म करने के लिए, जो आपके होंठ काले होते हैं, ठीक है, उसको आप चाहते हैं कि आपके होंठ भी बाकी लड़कों और लड़कियों की तरह पिंक दिखाई दें या रेड दिखाई दें, तो आप ये नुस्खे इस्तेमाल करें। बलाई में लीमू का रस शामिल करके, जो बलाई होती है दूध के ऊपर जमी होती है उसको, खालिस जो मलाई होगी वो, ठीक है, उसमें लीमू का रस शामिल करके रात सोते वक्त लगा लें अपने होंठों पर, इंशाल्लाह होंठों की स्याही भी खत्म हो जाएगी और होंठों की खुश्की भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा चिकनाहट होती है बलाई में, ठीक है, उसमें अगर लीमू शामिल हो जाएगा तो आपके होंठों की एक एक चीज खत्म हो जानी है, मैल जो जम जाती है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। होंठों की स्याही खत्म करने के लिए दूध में जाफरान पीस कर रोजाना लगाएं, इससे होंठों की जो कालापन होता है वो खत्म हो जाता है। तीसरे नंबर पर ग्रेप फ्रूट के रस को दारचीनी में मिलाकर लगाएं। चौथी है चकंदर का टुकड़ा काटकर होंठों पर रगड़ें, इससे भी आपके होंठ जो है वो रेड हो जाएंगे, पिंक हो जाएंगे। पांचवीं टिप है बादाम का तेल और लीमू का रस मिक्स करके होंठों पर लगाइए। छठी टिप है टमाटर और खीरे का कतला होंठों पर लगाएं। टमाटर और खीरे यानी कि एक दोनों को आपस में पीस कर आप उसका जो गुदा है वो अपने होंठों पर लगाएं, उससे भी आपके होंठ पिंक और रेड हो जाएंगे। आठवीं टिप है सेब के बीज पीस कर और रात के वक्त होंठों पर लगाएं। सेब के जो बीज होते हैं उनसे भी होंठ पिंक और रेड होते हैं। ग्लिसरीन से होंठ पर मसाज करें, इंशाल्लाह होंठों की स्याही खत्म हो जाए। जो ग्लिसरीन होती है, ठीक है, मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी, उसको होंठों पर मसाज करें, इंशाल्लाह होंठों की स्याही खत्म हो जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट टिप की जानिब, लड़कियां जो होती हैं खास तौर पर वो चाहती हैं कि उनकी भवें जो हैं वो घनी रहें पलकें, ठीक है, तो उसके लिए वो फेक पलकें भी इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। अब
ان کو فیک پلکیں استعمال نہیں کرنی پڑیں گی، چونکہ اب آ گیا ہے آپ کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ، ایسی گھنی آپ کی پلکیں ہو جائیں گی کہ آپ خود بھی حیران ہو جاؤ گے۔ آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کاسٹر آئل پلکوں پر لگائیں۔ کاسٹر آئل جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو میڈیکل سے مل جائے گا، میڈیکل سٹور سے۔ کاسٹر آئل پلکوں پر لگانے سے پلکیں گھنی اور لمبی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ زیتون کا تیل، اب دوسری ٹپ ہے، زیتون کا تیل ہلکا گرم کر کے لگایا جائے پلکوں پر تو بھی پلکیں خوبصورت گھنی اور لمبی بنانے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اب زیتون کا تیل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آنکھوں میں چلا جائے تو آنکھوں میں دھندلا دھندلا دکھائی دے گا، ایسے نہ کریں۔ آپ کائنڈلی رات کو سوتے وقت آپ تھوڑا سا تیل لیجئے، وہ دونوں آنکھوں پر، آنکھوں کی پلکیں جو ہوتی ہیں ان پر لگا لیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ کی انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پلکیں بہت گھنی ہو گئی ہیں، آپ کو فیک پلکوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو دوستو یہ ہے ہماری آج کی ٹپس، گرلز اینڈ بوائز کے لیے، دونوں کے لیے یہ ٹپس ہیں۔ اگر لڑکے حضرات چاہتے ہیں، جوان لڑکے، چونکہ آج بہت زیادہ ٹرینڈ آ چکا ہے، آج کل بہت زیادہ لڑکے بھی ہیں جو وہ بھی بہت زیادہ فیشن کرنے شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اگر چاہتے ہیں کہ جو اپنی پلکیں ہیں وہ گھنی کر رہے ہیں، تو آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چہرے کے لیے، ہونٹوں کے لیے، بالوں کے لیے، سب کچھ میں نے بتا دیا ہے، مین جو چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب اگر آپ کریں گے تو ہماری یہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں گی۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، بہت ہی اہم ہے آپ تمام افراد کے لیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ